दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड की, जो कि बेहतरीन रिटर्न निकाल के देता है। एसबीआई का कोई भी म्यूचुअल फंड चुन लीजिए आप, करीब करीब सभी म्यूचुअल फंड बढ़िया रिटर्न निकाल के देते हैं। अगर आपको एसबीआई म्यूचुअल फंड लेना है तो एसबीआई बैंक में जाइए, बैंक मैनेजर से बात कीजिए और आप बताइए मेरे को ये म्यूचुअल फंड चाहिए, ये मेरे को बेस्ट लगता है, जो भी आपको अच्छा लगे। आज हम बात करेंगे उस म्यूचुअल फंड का, नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड। बहुत ही बढ़िया फंड है ये। शुरुआत देख लेते हैं, 29 जून 1987 को स्टार्ट हुआ था। एनएवी की बात करें 326 रुपए है, रेटिंग की बात करें 5 स्टार है और फंड साइज की बात कर लेते हैं करीब करीब 18,930 करोड़ रुपए है। बहुत बड़ा फंड साइज है। अब कई लोग ये बोलते हैं म्यूचुअल फंड चलेगा नहीं, या मेरी किसी कंपनी में पैसा लग गया, कोई मेरे साथ में फ्रॉड हो जाएगा। ऐसी बातें बिल्कुल भी आप दिमाग में मत लेके आइए। क्यों? क्योंकि जो मैं आगे बताने वाला बातें हूँ इसमें, वो ध्यान से सुननी है। इसमें जो 85 कंपनियां हैं वो टोटल की टोटल स्टॉक मार्केट की कंपनियां हैं। मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं जो लोग पुअर होते हैं, जिनको लगता है कि इतना पैसा मेरे को कभी भी मिलेगा नहीं। अगर 1 करोड़ रुपए का आपने सोच के रख रखा है, इस तरीके से अगर आप चलोगे तो आपको 100% 1 करोड़ रुपया मिलेगा। वो तरीका क्या है? तरीका ये है कि कंटिन्यू SIP करनी है, मंथली SIP करनी है। आप लोग LIC में पैसा लगाते हो, RD, FD, EPF, PPF, कहीं भी गवर्नमेंट की स्कीम में पैसा लगाते हो, ये भी तो बैंक गवर्नमेंट का ही है। पर ये जो आपकी स्कीम के पैसे हैं, ये हाई रिस्क पे होते हैं। पर अगर हम रिस्क जिंदगी में लेना ही है तो हाई लीजिए। क्योंकि देखो, 500 रुपए की दिहाड़ी के लिए हम 15 किलोमीटर चल के या 20 किलोमीटर चल के धुंध में इतनी दूर जाकर ड्यूटी करते हैं सर्दी में, तो क्यों ना ये रिस्क भी इसके साथ लिया जाए, है ना। अब LIC ले लेते हैं हम, LIC के बाद में मरने के बाद पैसे मिलते हैं, ये जिंदे जी पैसे मिलेंगे आपको, आपके भी सपने पूरे होंगे, आपकी रिटायरमेंट भी अच्छी होगी और आपके बच्चों का भविष्य भी अच्छा होगा। आगे देख लेते हैं, 85 में से 4 कंपनियों का नाम बताता हूँ आपको, केवल 4 के। अब आपने फंड साइज तो देख लिया होगा, 18,000 करोड़ है। 85 में से 4 कंपनियों का नाम बताता हूँ। ICICI बैंक 2.61 के करीब, HDFC बैंक 2.34 के करीब, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2.08 के करीब, PNB बैंक 1.97 के करीब। 84 में से 4 के नाम बताए हैं, 81 कंपनियां अभी बाकी हैं, बोर्ड पे आते नहीं इसलिए मैं बताता भी नहीं, क्योंकि काफी बड़ी लंबी वीडियो हो जाती है, लोगों के पास में इतना समय भी नहीं होता उन लोगों की ब्लूटूथ ऑन करने के लिए, जिनको लगता है कि मेरा पैसा कहीं डूब तो नहीं जाएगा। डूबने के लिए आप, मैं 4 बैंकों का नाम बताता हूँ आपको, इनमें से एक भी ऐसा बैंक दिखा दो जिसको आप नहीं जानते हो, बैंक कभी डूब ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बैंकों के पास में मोटा पैसा होता है, लोन भी देते हैं काफी। और ये देखो आप, 1, 2, 3, 4 चारों बैंक टॉप के बैंक यही है। SBI बैंक ने इन बैंकों के अंदर में पैसा लगा रखा है अपना म्यूचुअल फंड का। आप ये सोचो कि क्यों, इनको जाके आप गूगल पे सर्च करो या ग्रो ऐप पे या फोन पे जहां पे भी आप सर्च मारते हो, इनको चेक करो कि इनका शेयर मार्केट में रेट क्या चल रहा है। इनको खोल के देखो ना, ये करीब करीब 60-70 के करीब है, बाकी का मेरे को पता नहीं। HDFC का करीब 1500 का करीब है। आप ही देखो, जो शेयर मार्केट के अंदर कंपनियां हैं, क्या वो काम कैसे करती हैं। जब उन, जैसे मान लो कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान में आपने पैसा लगा दिया, बैंकों के अंदर पैसा लगेगा, बैंक ग्रो करेगा समय के साथ में, हर चीज ग्रो करती है। जैसे मान लो सन 2000 के अंदर पेट्रोल का रेट केवल 25 रुपए था, आज की डेट में 100 रुपए है, जो 75% रेट बढ़े, पर हमारी क्या इनकम बढ़ी गया। अगर वो 75% का डिस्टेंस हमें कवर करना है तो हमें म्यूचुअल फंड में जाना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास में कोई भी रास्ता नहीं है। अब जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं कि नहीं म्यूचुअल फंड में पैसा बनेगा नहीं, रिस्की है, ये है वो है, वो आपका समय निकल जाएगा, उसके बाद में कोई भी फायदा नहीं है। अगर आपको 5-7 साल के लिए करना है तो RDFD कीजिए, वो बढ़िया है आपके लिए। पर अगर मोटा पैसा बनाना है तो म्यूचुअल फंड में आइए। आगे मैं बताता हूँ, एक्सपेंस रेशो 0.72 के करीब, एग्जिट नोट 1%, 1 साल से पहले पैसा निकलवाओगे। और AUM की कर लेते हैं 8,00,000 करोड़ है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब ऑल रिटर्न की बात करते हैं, 16.83 है, 5 ईयर की बात करें 25.62 है, 3 ईयर की बात करें 33.89 के करीब है। केवल 1000 रुपये बोल रहा हूँ मैं, कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है। आज के टाइम में बच्चों के कुरकुरे खा जाते हैं 1000 रुपये के पूरे महीने में। 1000 रुपये अगर आप मंथली जमा करते हो तो 16.83 का रिटर्न मान के चलते हैं, 30 साल में आपने जमा करे 3,60,000 रुपए और आपको मिलेंगे 1,08,854 रुपए
क्या पूरे जीवन में इतना पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। 1 करोड़ छोड़ो, मैं कह रहा हूं 90 लाख मिल जाए, 70 लाख रुपए मिल जाए, जमा कितने हैं? 3,60,000 रुपए। अगर हमें इतने पैसे चाहिए तो हमें म्यूचुअल फंड में जाना पड़ेगा। वो म्यूचुअल फंड आपकी मर्जी है, जो सा म्यूचुअल फंड आपको बेस्ट लगे एसबीआई का चुन लीजिए, क्योंकि एसबीआई के ऊपर लोगों का भरोसा है, तभी एसबीआई की मैनेजमेंट है आपके पैसे को सही टाइम पे सही ग्रो करके लेके आई रहती है। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।